इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस सिस्टम में कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल है। यहाँ पर डीवीडी मैंने इंसर्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डायरेक्टिक्स डायग्नोस्टिक्स जो है वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके DXDIAG आप लिखेंगे, ये रन कमांड के अंदर से भी आप ओपन करते हैं। यहाँ पर आप एंटर करेंगे और फिर येस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टिक्स डायग्नोस्टिक्स जो है ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है विंडोज़ 7 प्रोफेशनल 32-बिट पहले से इंस्टॉल्ड है। अब हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो उसके लिए जो हम लोग DVD या बूटेबल USB हमें इंसर्ट करनी होती है वो मैंने यहाँ पर कर दी है। और अब हम लोग अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। सब चीज़ों को मैंने क्लोज कर दिया है। ये Alt+F4 प्रेस करके ये वाला जो है एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिससे हम शट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करके स्लीप नहीं रीस्टार्ट कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करूँगा तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और अब हमने F12 प्रेस करना है जब ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कहेगा प्रेस एनी की विंडोज़ की फाइल को लोड करने के लिए। यहाँ पर मैंने अब जो है वो शुरू कर देना है F12 को प्रेस करना ताकि विंडोज़ की फाइल्स को ये लोड कर सके। इसने विंडोज़ की फाइल्स को यहाँ पर लोड किया है। तो ये एक जो है बॉक्स हमारे पास ओपन हुई है जिसे स्टार्टअप डिवाइस मेन्यू हम कहते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट फ्लॉपी ड्राइव है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम एरो कीज से इसको नीचे कर सकते हैं साटा PM वगैरह है, फिर DVD CD है, नेटवर्क है, अगर हमारे पास USB होती तो उसका ऑप्शन भी होता। यहाँ पर नीचे इसने बताया हुआ कि एरो कीज के ज़रिए से इसको हैंडल करना है। ठीक हो गया। अब हम लोग CD DVD के ऊपर क्लिक करके एंटर का बटन प्रेस कर देंगे ताकि विंडोज़ की फाइल्स जो हैं वो लोड होना स्टार्ट हों। जब विंडोज़ की फाइल्स लोड हो जाएंगी तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। उसमें आपसे लैंग्वेज, टाइम और कीबोर्ड के बारे में पूछेगा। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर ही इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। फिर आपके पास इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने फिर एंटर का बटन प्रेस कर देना है। सेटअप इज स्टार्टिंग का यहाँ पर ये शो कर देगा कि सेटअप को जो है ये स्टार्ट कर रहा है कंप्यूटर। जब सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको जो है परफॉर्म करने हैं, मतलब ये प्रोवाइड करने हैं विंडोज़ इंस्टॉलर को। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। हमारी DVD के अंदर तकरीबन 12 सेटअप हो सकते हैं, तो उनमें से एक आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट का बॉक्स को चेक करके नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आप अपग्रेड या कस्टम इंस्टॉलेशन वाला हो सकता है, उसमें से कस्टम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर पे आपने ड्राइव सिलेक्ट करनी है, और जब ड्राइव सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी थी वो कर दी। आगे आपका सिस्टम जो है 3-4 बार रीस्टार्ट हो जाएगा, और उसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो आपने करनी है, और उसके बाद आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। और ये सेटिंग्स वाली जो है सारा कुछ मैं बता चुका हूँ कि विंडोज़ के दौरान कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है। इस चैनल पर वीडियो मौजूद है और मज़ीद स्टेप बाय स्टेप भी वीडियो मौजूद है। यहाँ पर आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने सिंपली स्टेप्स बता दिए हैं।